हेलो। हाँ चलो, कल भी मेरे को थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करना होगा। कल भी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, बट फिर वीडियो स्ट्रक हो गई और 31 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो पाई, जिसमें से मैंने देखा था कि यहाँ तक तो सही हो गया, इसके बाद से वीडियो स्ट्रक कर रही है। ठीक है, तो मैं ये भी कंटिन्यू अभी पढ़ाता हूँ दोबारा से, यहाँ से पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, पहले से पहले वीडियो आपकी है और पहले स्टक हुई है यहाँ पे, है ना। मैं ये भी आपको एक बार समझा देता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा मिनिमम स्क्रीन पे, ये थोड़ी दिक्कत दे रहा है लैपटॉप, इसको सही कराने में लिख जाऊंगा मंथ के लास्ट में, क्योंकि वो कह रहा है इसमें टाइम लगेगा इसको सही होने में, तब देखता हूँ मैं इसको। एक्सप्लेनेशन फॉर एनोमलीज इन मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपने कहते फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा बहुत भी सप्लाई था एंड आइसोटोप्स कुछ ऐसा कर रहे थे आप। मैं पूरी दौर से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे थे एक्सप्लेनेशन फॉर एनोमलीज, हमने पहले एनोमलीज पढ़ी है इनकी, लेट मी चेक हमने कहाँ से पढ़ा था। हाँ ये रहे, हमने एनोमलीज पढ़ी है डिफेक्ट। एनोमलीज मतलब क्या? इनकन्सिस्टेंसीज। एनोमलीज मतलब क्या? इनकन्सिस्टेंसीज। तो इनकन्सिस्टेंसी कमियों की वजह से आती है। तो वो कह रहा है ये जो कमियां हैं, ये लिखा है ना एनोमलस पेयर्स, इनकन्सिस्टेंट पेयर्स, तो इनकी वजह क्या थी, इनकी वजह क्या थी, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं। तो वो कह रहा है सिंस पहले पोजिशन, पहली बात तो उनकी आइसोटोप्स की पोजिशन। तो वो कह रहा है सिंस ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो द सेम। क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप का फीचर ये होता है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ क्या कहते हैं एटॉमिक, जो एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो उनके केस में दोनों चीज़ सेम होती हैं। और क्योंकि सिंस ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिसमें के एटॉमिक नंबर सेम अगर होंगे तो दे कैन बी पुट एट द सेम पोजिशन पीरियड टेबल, तो वो सेम पोजिशन पर रखे जाएंगे, तो वो सेम पोजिशन पर ही रखे जाएंगे। तो उनकी पोजिशन आप अलग अलग कैसे डिसाइड करोगे, समझ आया? पोजीशन ऑफ एनोमलस पेयर्स, इनकंसिस्टेंट पेयर्स, उनके पोजीशन के बारे में बताओ सर। तो वो कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18, आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 18, लेकिन उसका जो मास नंबर क्या है वो है 14, और वाइल द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम उसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, यानी 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, आर्गन से बड़ा है इसका, लेकिन मास नंबर छोटा है, मास नंबर छोटा है, मास नंबर छोटा है। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में तो उसको एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है। सो आर्गन विद इट्स लोअर एटॉमिक नंबर शुड कम फर्स्ट, तो पहले छोटा आना चाहिए फिर उसके बड़ा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं जो मेंडलीव है, मेंडलीव इसको मानते नहीं, मेंडलीव वेट के अकॉर्डिंग नंबर, अगर वेट के अकॉर्डिंग नंबर देंगे तो पहले इनका पोटेशियम आना चाहिए फिर बाद में इनका आर्गन आना चाहिए, तो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है। और जैसा इन्होंने यहाँ पे आर्गन और पोटेशियम में इनकन्सिस्टेंसी दिखाई है, वैसे प्रॉब्लम कोबाल्ट और निकल के साथ भी है, समझ गए ना। जो मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि आप ना इस नंबर को ध्यान रखो, लेकिन मेंडलीव की थ्योरी जो कहती है वो कहती है आप इसको ध्यान रखो, तो ये थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है जिस वजह से पोजिशन इनकी सही नहीं बैठ पाती है। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं, मैं पूरा दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, मैंने सब पढ़ा दिया था। चलो ठीक है, ग्रुप जीरो लास्ट ग्रुप की बात चल रही है, ग्रुप जीरो की ग्रुप 18 बोल लो, नोवल गैस वाला ग्रुप बोलो, इनर्ट गैसेस वाला गैस वो ग्रुप पूछ लो। ठीक है, तो कहते हैं मेंडलीव, सर मेंडलीव द्वारा साहब, हाँ भाई मेंडलीव वेट वाले। When Mendeley first constructed his table, there was no indication that a whole group of elements remained to be discovered. जब मेंडलीव ने अपनी टेबल कंस्ट्रक्ट की थी तब उन्हें कोई कुछ नहीं पता, नो इंडिकेशन, कोई सारा भी उनके पास कुछ नहीं पता था उनको कि हाँ अभी ग्रुप जीरो में और भी एलिमेंट्स आएंगे, कि कुछ बचा भी, रिमेन टू बी डिस्कवर, कि और भी कुछ डिस्कवर हो सकते हैं। उन्हें लगा कि जो उन्होंने डिस्कवर कर लिया बस वही लास्ट है, इसके और कोई नहीं है। तो एक तो ये गड़बड़ी थी उनके में, है ना, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी की लैक की वजह से ऐसा कुछ हुआ।
देर वॉज नो क्लियर साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, कोई साइन ही नहीं था, कोई इशारा ही नहीं था कि हाँ और भी गैसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। हावेवर गैसेस ऑफ गैसेस इन द एयर, हवा में जो गैसेस थी उन्होंने आर्गन के डिस्कवरी में हेल्प की। इस वजह से आर्गन डिस्कवर हुआ, हीलियम स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लाइट के थ्रू डिस्कवर हुआ है ना ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। अदर नोबल गैसेज वर ऑल्सो आइसोलेटेड, एंड अलग नोबल गैसेज भी धीरे धीरे बाद में मिलने लगी है ना। तो विलियम रैमसे जो थे उन्होंने सारी गैसेज को आइसोलेट किया। विलियम रैमसे आइसोलेटेड दीज गैसेज, आइसोलेटेड दीज गैसेज एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने गैसों को आइसोलेट किया, इसी वजह से उनको नोबल प्राइज भी मिला। दीज गैसेज इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन है ना। इन सभी को इनर्ट गैसेस कहा गया, मीनिंग दे आर डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। इनर्ट गैस का मतलब ऐसा होता है जो रिएक्ट ना करें है ना। तो इन सारी गैसेस को इनर्ट गैस का नाम दिया गया। इन 1960s सम कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन हैव बीन मेड एंड देयर नेबर्स चेंज टू नोबल गैसेस। बाद में फिर इनर्ट गैसेस का नाम रखकर नोबल गैसेस रख दिया गया। तो इनके इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पर इनके कन्फिग्रेशन क्या है कि सर हीलियम को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ के इतनी भी अदर गैसेस होती हैं, हीलियम को छोड़ के इतनी भी अदर गैसेस होती हैं, उनके लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाले ऑर्बिट में एट एट एलिमेंट्स होंगे, एट एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केवल हीलियम में लास्ट में दो होंगे, बाकी सब में एट एट होंगे। तो इनके इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन का ये था, यहीं से लिखा हुआ है ठीक है। फिर कहते हैं ऑल आर कलरलेस, ऑल आर कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस ठीक है, नाइदर इनफ्लेमेबल, आग भी नहीं पकड़ते हैं, ना ही आग में सपोर्ट करते हैं। कंबसन मतलब ब्लास्ट, तो ब्लास्ट में कोई हेल्प नहीं करते हैं, एकदम अनरिएक्टिव होते हैं ठीक है। फिर लिखा हुआ है दे आर मोनो एटॉमिक, दे आर मोनो एटॉमिक, इनके जो एटम्स होते हैं उनकी पावर वन होती है, उनकी पावर क्या होती है, वन होती है ठीक है। नोबल गैसेज आर लिक्विफाइड विद ग्रेट डिफिकल्टी, इनको लिक्विड में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे गैसेज बहुत ईजिली चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इनको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है ठीक है। फिर लिखा दो सेकंड रुकना, दीज गैसेस आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, पानी बहुत मुश्किल से मतलब बहुत मुश्किल से डिजोल्व होती है, एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन देयर सोल्युबिलिटी इंक्रीज है। उस केस में अगर और नीचे ग्रुप में जाते जाओगे तो इनकी सोल्युबिलिटी आपको इंक्रीज होती हुई मिलेगी। दीज गैसेस एमिट कलर्ड लाइट, ये भी कलरफुल लाइट छोड़ते हैं वेर एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास थ्रू देम। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली लो ठीक है। हीलियम इज द लोएस्ट, याद रखना हीलियम होता है उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, किसी से भी कंपेयर कर लोगे तो। और इसको कैन नॉट बी सॉलिडिफाइड, इसको आप कभी सॉलिड में चेंज कर ही नहीं सकते हो विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। आप सोच सकते हो टेम्परेचर डाउन करके आप इसको सॉलिड में चेंज कर लो, तो आप नहीं कर सकते हो, यू नीड प्रेशर अलोंग विद इट है ना। ऑल दीज प्रॉपर्टीज पॉइंट टू द एटम्स ऑफ द नोबल गैस बीइंग पर्टिकुलर स्टेबल, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से इतने स्टेबल हैं। द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस डिपेंड ऑन देयर अनरिएक्टिव नेचर, वो कह रहा है इनका जो यूज़ है वो उनके अनरिएक्टिव नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हीलियम है, हीलियम को एयर सिस्टम यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि काफ़ी हल्के होते हैं, हम इनको एयर सिस्टम बैलेंस में यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि काफ़ी हल्के होते हैं, क्योंकि काफ़ी हल्के होते हैं। ताकि फिलामेंट को जो ये लाइट देता रहे, फिलामेंट में तो लेकिन जो हीट निकलती है तो हीट से ब्लास्ट हो सकता है नहीं, लेकिन जो गैस होती है इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है, अनरिएक्टिव होती है, तो रिएक्टिव नहीं करती हैं, दे डू नॉट, इट विल नॉट रिएक्ट विद द फिलामेंट इवन एट हाई टेम्परेचर है ना, रिएक्टिव नहीं करती हैं। द बेस्ट नोन यूज ऑफ द नोबल गैसेस परहैप्स देयर यूज इन नियॉन लाइट्स, वो कह रहे हैं
कि अगर बेस्ट से बेस्ट यूज अगर इनका हो सकता है तो वो हो सकता है नियॉन लाइट्स के रूप में इनका यूज करना। द ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट वर्क्स वेर एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास्ड इन अ ट्यूब कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ नोबल गैस। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसे होते हैं, बाहर बैनर लगे होते हैं, होर्डिंग बोलते हैं इनको, होर्डिंग, होर्डिंग या बैनर है ना, तो उनमें क्या होता है कि उनमें मतलब दिन में आप देखोगे तो उनमें कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, ठीक है, और रात में आप देखो तो वो इतनी जलती हुई आपको साइन कर, और आप देखो कि उनके पास में कोई, देखो कि उनके पास में कोई इलेक्ट्रिकल करंट वगैरह है ही नहीं, उनमें इलेक्ट्रिकल कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए आते हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज किया जाती है कुछ मिनट के लिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, एक ट्यूब में जो गैस भरी होती है ना, एक ट्यूब होता है वहाँ पे, इसमें गैस भरी होती है, वो गैस ना उसको साइन कराए रखती है, तो इस तरह से भी यूज हो सकते हैं। फिर क्या है, डिफरेंट नोबल गैसेज में पर डिफरेंट कलर, हर तरह की गैस का अलग अलग कलर होता है, ये हम ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं। नोट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 018 आर बिटवीन द टू मोस्ट एक्टिव ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। वो कहें जो एलिमेंट जो होता है ग्रुप 0 जो होता है, इसको जो एलिमेंट है ये दो रिएक्टिव ग्रुप्स के बीच में आते हैं, एक ग्रुप 1 के बीच में और एक ग्रुप 17 के बीच में। इन डेट इट इज देयर क्लोजनेस टू दीज ग्रुप्स, हाँ वास्तव में इनके क्लोज होते हैं विद स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स दैट मेक द एंड द हेलोजन्स आर हेलोजन्स टू रिएक्टिव, दे कैन ईजिली अचीव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। द ग्रुप 17 एलिमेंट्स गेन और शेयर एन इलेक्ट्रॉन वाइल ग्रुप 1A लूज एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। वो क्या कह रहे हैं, ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो ग्रुप आइए 1A वाले जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बस, वो गेन नहीं कर सकते, नहीं शेयर कर सकते, बस वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना पड़ सकता है, एमसीक्यू में बन सकता है। यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो पहला इनका यूज क्या है, इन प्रेडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट, जहां जब जहां जहां पोजिशन खाली है वहां वहां नए एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी कुछ मिसिंग है, तो हम नए की तलाश में लगे रहते हैं, पहला बेनिफिट ये। दूसरा, इट हैज़ बिन यूजफुल इन पास्ट इन करेक्टिंग द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन टू देयर प्रॉपर्टीज, सर टेबल के थ्रू से हम उनकी पोजिशन सही कर पाते हैं कि कौन सा कब मिला, कौन सा क्या यूज है ना, किसका कितना वेट है, किसका कितना नहीं, तो उनकी पोजिशन चेक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड हैज बिकम सिस्टमेटिक, इजी टू रिमेंबर, उनकी स्टडी काफ़ी सिस्टमेटिक हो गई, इजी हो गई, ठीक है। पोजीशन और क्या क्या बताती है इन एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, ये उनके एटॉमिक नंबर था, इसमें भी ऊपर मैंने बताया था, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, उनकी वैलेंस, क्या वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, ये चीज़ बताते हैं, और फिर से क्या फ़र्क पड़ेगा मेटल या नॉन मेटल से, तो टेबल से ही आप पता चल जाएगा कि जो मेटल होते हैं, मतलब टेबल से कैसे पता चलेगा मेटल या नॉन मेटल, तो टेबल से इस तरह से पता चल जाएगा, मेटल जो होते हैं वो लगभग लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट साइड होते हैं, तो इस तरह से ये पता चल जाता है ना कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं। फिर कह रहा है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, उनका केमिकल रिएक्शन पता चलता है ना, केमिकल बॉन्ड क्या, उनका फॉर्मूला क्या, उनके कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1, 2, 3 जो कि सारे मेटल्स होते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जब भी उनको पॉजिटिव आयन बनाना पड़ता है उनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है मैथमेटिकल रिलेशनशिप से अगर मैं आपको समझाऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे ना हो गए, नेगेटिव को हटाना पड़ेगा ना, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे ना हो गए, नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो उसे लिखा हुआ लूज, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ताकि वो पॉजिटिव बन सकें। लेकिन 15, 16, 17 होते हैं मेटल्स, ठीक है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो सर इनको पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, वो नेगेटिव कैसे ना होगे, वो नेगेटिव कैसे ना होगे, फिर या तो पॉजिटिव को हटा दो या नेगेटिव को ऐड कर लो, ऐड कर, नेगेटिव को ऐड करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या जिनका नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको ऐड करते हैं अपने आप में, नेगेटिव सिंबल को ऐड करते हैं। वैन दिस, तो आपको उनकी केमिकल वो क्या कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज तो चल रही है ना कि टेबल के थ्रू तो बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं वैन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स कंबाइन, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होते हैं दे फॉर्म अ कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं नेचर, ठीक है। फिर कह रहा है इफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 17 कंबाइंड विद दोज ऑफ 15, 16, 17, 14 के साथ द्वारा नहीं,
एंड नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ ही मिलाया है, तो ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। सर ये क्या होते हैं, इस चैप्टर में आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। आई होप आपके आज वीडियो ना कुछ तक हो। बाकी आप क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है, ठीक है।